अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह दूर कॉलेज तैयबा कॉलेज में डोर टू डोर कैंपेनिंग हुआ है। इंशाअल्लाह ताला पब्लिक का रुझान हमें दिख रहा है कि वो पतंग है। बस मैं एक अपील करता हूँ तूर और तैयबा कॉलोनी और सादत नगर के लोगों से, 22 तारीख को अपने घर से निकलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पतंग के निशान को वोट देकर हमारे वालदा अतिया बेगम को भारी अक्सरियत से कामयाब कराइए, जो वार्ड नंबर 27 से है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी की सारी आवाम से मेरी एक अदबन गुजारिश है और अपील है कि हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो आपकी जमात है, जो एक मुस्लिम जमात है, वो जमात 22 कैंडिडेट्स को आपके बीच में उम्मीदवार खड़ाए हैं। पहाड़ी शरीफ, जलपल्ली, कुत्तापेट, इर्रागुंटा, सादत नगर, तूर कॉलोनी, तैयबा कॉलोनी, वादे उमर, शाहीन नगर और बिस्मिल्ला कॉलोनी, वादे न्यू बाबा नगर, खुबा कॉलोनी, मीनार कॉलोनी, इरागुंटा, वादे मुस्तफ़ा, वादे हदीस, ये पूरे कैंडिडेट्स हमारे पहाड़ी शरीफ, राजू गांधी नगर से हमारे कैंडिडेट्स को ठहराया गया है। इंशाल्लाह हमारे को पूरा भरोसा है हमारी आवाम से, हमारे भाइयों बहनों बुज़ुर्गों और दोस्तों से कि हमारे 22 के 22 कैंडिडेटों को आप अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। और इंशाल्लाह हम आप एक अदबन गुजारिश करते हैं, अब तक ऐसे कई पार्टियां आए, कई MLAs आए, कई MPs आए जो अपने वोट 5 साल में इस्तेमाल वोट ले लिए हमारे, लेकर चले गए। आज हमारे एरियों को देखो, पसमंदा करा कर रख दिए, पसमंदा इलाके हो चुके हमारे, पूरे सलम एरिया हो है। जिस तरह से 35 साल पहले जो एरिया जिस तरह से थे, 35 साल में हमारे पास कोई डेवलपमेंट नहीं है। हमारे की हमारी खुशनसीबी ये है कि पहली बार यहाँ पर जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी बन चुका है। इससे पहले यहाँ पर ग्राम पंचायतें थी, ग्राम पंचायतों में यहाँ पर कुछ पूछ कर नहीं देखे। म्युनिसिपैलिटी बनने के बाद 3 साल हो चुका है, 3 साल में पहला इलेक्शन है, यहाँ पर कॉरपोरेशन इलेक्शन है। हम पब्लिक से अपील करते हैं, कॉरपोरेशन इलेक्शन में आप अपने इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट्स को, आपके काउंसलर्स को पूरे जिता कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराकर वहाँ पर जो जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी पर अपना परचम लहराकर 22 के 22 कैंडिडेट को जिताकर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत कीजिए। वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो आज NRC के लिए जुफ्ताजू कर रहे हैं,
बिल फाड़ के फेंकने वाले पहले हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एमपी थे हैदराबाद, इससे हटके कोई एमपी और 27 MP मुस्लिम एमपी वहां पर थे, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई और कई बीजेपी के और टीआरएस के, टीडीपी के, कांग्रेस के और कई जमातों के वहां पर एमपीज थे, लेकिन किसी एमपी ने आवाज़ नहीं उठाई। आज उठाने वाली जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सुप्रीम कोर्ट में भी केस दायर कर चुके हैं। इंशाल्लाह आप उनके शाखों को जिताकर उनके हाथ मजबूत कीजिए और 12 के 12 कैंडिडेट्स को जिताकर 22 के 22 कैंडिडेटों को हमारे जिताकर हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम जलपल्ली म्यूनसिपालिटी पर लहराइए। मैं 10 वार्ड से वादे सालेहीन के भी लोगों से, वादे उम्र के भी लोगों से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, हमारे पूरे कैंडिडेट्स को भारी से भारी अक्सरियत से कामयाब बनाइए। 22 जनवरी के दिन सुबह सुबह अव्वल वक्त में निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए और पतंग के निशान पर वोट लगाकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।